बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। रात में आऊंगा, अपनी से न लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वो एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। रातों रात में आऊंगा, अपनी से न लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी।
नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है। हाँ, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वो कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया।